हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में दो बार त्रयोदशी तिथि पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। प्रत्येक माह की दोनों त्रयोदशी तिथि भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। इस दिन भगवान भोलेनाथ के भक्त विधि विधान से व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत को करने से शिवजी प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों के जीवन में सुख शांति और सुख समृद्धि भर देते हैं। जो भी साधक नियम और निष्ठा से प्रदोष व्रत रखते हैं तो उनके सभी कष्टों का नाश होता है। त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में माता पार्वती और भगवान भोले शंकर की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार त्रयोदशी तिथि के दिन प्रदोष काल में की गई शिव पूजा से कई ज़्यादा गुना फलदायी होती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैशाख माह में प्रदोष व्रत कब है, प्रदोष व्रत की कथा और इसके प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब कर दिया है और यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, इसी तरह इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ये आपका अपना चैनल है और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है, इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव संग माता पार्वती की कृपा दिलाने वाला प्रदोष व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को पड़ता है। अप्रैल के महीने में कब और कौन सा प्रदोष व्रत पड़ेगा और प्रदोष व्रत की पूजा के महा उपाय आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, भगवान शिव की कृपा दिलाने वाला प्रदोष व्रत प्रत्येक मास के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को होता है। ऐसा माना जाता है कि एक माह में दो बार पड़ने वाले प्रदोष व्रत को विधि विधान से करने पर साधक के जीवन से जुड़ा सभी प्रकार का दुख दरिद्र दूर होता है और उसे जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत रखने वाले साधक पर शिव संग माता पार्वती की कृपा बरसती है। आइए अब मैं व्रत कथा शुरू करती हूँ ऑर्डरदानी भगवान शिव की गुरु प्रदोष व्रत की कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, व्रत कोई भी रखें आप, लेकिन व्रत कथा जरूर पढ़ें या सुने। ये मैं हर बार कहती हूँ कि व्रत कथा सुने बगैर आपका व्रत अधूरा रह जाता है, इसलिए व्रत कथा का बहुत महत्व होता है। तो मैं कथा शुरू करती हूँ, आप भी ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, वृत्रासुर की सेना ने देवताओं पर आक्रमण कर दिया था। देव और असुरों में भयंकर युद्ध हुआ जिसमें असुर सेना हार गई। जब इसकी सूचना वृत्रासुर को हुई तो वह बहुत ही क्रोधित हो उठा और स्वयं युद्ध करने का निर्णय लिया। वह मायावी था, उसने विकराल रूप धारण कर लिया। उसे देखकर सभी देवता डर गए और भागकर देवगुरु बृहस्पति की शरण में गए। तब देवगुरु बृहस्पति जी ने वृत्रासुर के बारे में देवताओं को बताया। वृत्रासुर ने गंधमादन पर्वत पर वर्षों तक कठोर तप किया था, जिसके परिणाम स्वरूप भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। उससे पूर्व वह राजा चित्ररथ था। वह एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव के पास पहुंचा। वहां उसने माता पार्वती को भगवान शिव के बाएं बैठे देखा तो उसने उनका उपहास उड़ाया। तब माता पार्वती ने क्रोधित होकर कहा कि दुष्ट, तुमने उनको और उनके आराध्य भोलेनाथ का अपमान किया है, इस वजह से
मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम राक्षस बनकर अपने विमान से नीचे धरती पर गिर पड़ो। उस श्राप के कारण राजा चित्ररथ राक्षस योनि में चला गया, राक्षस योनि में चला गया और वह मृतासुर बन गया। देव गुरु बृहस्पति जी ने देवराज इंद्र से कहा कि मृतासुर अपने बाल्यकाल से ही भगवान शिव का परम भक्त रहा है, ऐसे में आप भी देवगुरु पर दोष व्रत करें और भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करें। देवगुरु के बताए गए व्रत विधि विधान को ध्यान में रखकर इंद्रदेव ने गुरु पर दोष व्रत की विधि पूर्वक पूजा की, भगवान शिव से आशीर्वाद लिया और भगवान शिव के आशीर्वाद से देवराज इंद्र ने मृतासुर को परास्त कर दिया। उसके बाद से देवलोक में शांति की स्थापना हुई। इस प्रकार से जो भी साधक, जो भी लोग गुरु पर दोष व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं, वे अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। शिव कृपा से शत्रुओं को परास्त करने में सफलता जरूर मिलती है। ये थी गुरु पर दोष व्रत की कथा। दोस्तों, भगवान शिव संग माता पार्वती की कृपा दिलाने वाला प्रदोष व्रत तमाम तरह की कामनाओं के लिए रखा जाता है। जैसे यदि आपको संतान या फिर संतान से कोई प्रॉब्लम है, आपकी संतान बीमार रहती है या संतान में भी पुत्र की कामना हो, तो आपको यह व्रत शुक्ल पक्ष की उस त्रयोदशी से शुरू करना चाहिए जिसमें शनिवार का दिन पड़े। शनि प्रदोष व्रत रखने से उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हैं तो कर्ज से मुक्ति की कामना को पूरा करने के लिए आपको सोमवार वाले दिन सोम प्रदोष व्रत को करना चाहिए। धन संपत्ति और वैवाहिक सुखों की कामना को पूरा करने के लिए शुक्रवार के दिन से प्रदोष व्रत शुरू करना चाहिए। जबकि रोग शोक, रोग बीमारियों को दूर करने के लिए इस व्रत को रविवार के दिन से शुरू करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि वैशाख माह के गुरु प्रदोष व्रत की तिथि और शुभ मुहूर्त क्या है। साल 2022 में वैशाख कृष्ण पक्ष का प्रदोष व्रत 28 अप्रैल गुरुवार को रखा जाएगा। प्रदोष व्रत पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम के 6:54 से रात्रि के 9:04 तक। वैशाख कृष्ण त्रयोदशी प्रारंभ होगी 28 अप्रैल प्रातःकाल 12:23 पर और विशाख कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि समाप्त होगी 29 अप्रैल प्रातःकाल 12:26 पर। गुरु प्रदोष के दिन सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 28 अप्रैल शाम के 5:40 से 29 अप्रैल को सुबह 5:42 तक। आइए अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत की पूजा विधि। गुरु प्रदोष के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान के बाद व्रत का संकल्प लें और भगवान शिव माता पार्वती की विधि पूर्वक पूजा करें। प्रदोष काल यानी कि शाम के समय शिव मंदिर जाएं, भगवान शिव का गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें, फिर बेलपत्र, अक्षत, फूल, धूप दीप, भस्म, फल, पान सुपारी ये चीज़ें अर्पित करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते रहें। अंत में गुरु प्रदोष व्रत की कथा जरूर पढ़ें और सुनें, फिर आरती करें। अगले दिन स्नान के बाद फिर से भगवान शिव की पूजा अर्चना करके सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करें। आइए अब जानते हैं गुरु प्रदोष व्रत का महत्व। दोस्तों, त्रयोदशी तिथि का अपना ही एक खास महत्व होता है, धार्मिक महत्व है। माना जाता है कि भगवान शिव ने असुरों को परास्त कर उनका विनाश किया था, भक्तों की रक्षा की थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सातों दिन के जो प्रदोष व्रत होते हैं उनका अपना विशेष महत्व होता है। गुरु प्रदोष करने से मनोकामना पूरी होती है और यह व्रत करने से संतान पक्ष को विशेष लाभ प्राप्त होता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन अप होता है और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में
अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि औरों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।